नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या देशभर में अराजकता फैलाने का जो षड्यंत्र शुरू हुआ था उसमें स्वयं प्रधानमंत्री को आना पड़ा? क्या स्वयं प्रधानमंत्री ने अब ये बीड़ा उठा लिया है कि पूरे पंच मक्कारों की टीम ने, खैराती मीडिया ने जो षड्यंत्र करना शुरू किया है, और उस टीम खैराती को ये लगता है कि सिर्फ उनकी बात मानी जाए, और वो जो मान रहे हैं कि पूरे देश में अराजकता फैल चुका हुआ है उसको और तेजी से कई गुना बढ़ाया जाए, और इस षड्यंत्र में जब अरविंद केजरीवाल कूद गए, और अरविंद केजरीवाल को जब स्वयं प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन जलील किया, और उसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ, उसके क्या मायने हैं? आपको पता होगा कि आज अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक थी मुख्यमंत्रियों की, उसको सार्वजनिक कर दिया। लाइव को, जो उनका लाइव है, उसे सार्वजनिक कर दिया। प्रोटोकॉल का पूरा उल्लंघन कर दिया। जो मुख्यमंत्रियों के साथ भारत के प्रधानमंत्री की जो इस आपदा के अवसर पर जो बैठक होती है उसका एक प्रोटोकॉल होता है, और इसका तरीका जो प्रधानमंत्री ने अभी हाल में अपनाया कि गृह मंत्री आते हैं, एक तरह से मंच का संचालन करते हैं, और उसके बाद समापन भी गृह मंत्री करते हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री का एक संबोधन होता है जो तमाम मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने के बाद, आपस में संवाद के बाद प्रधानमंत्री का एक संबोधन होता है जो कंक्लूड होता है, और उसको सार्वजनिक किया जाता है। लेकिन अब की बार मुख्यमंत्रियों की बैठकों की जो शुरुआत हुई उसमें जो ही दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात आई, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उसे सार्वजनिक कर दिया, और उन्होंने जो रोना रोया दिल्ली के नाम पर, और जिस धूर्तता के साथ नरेंद्र अरविंद केजरीवाल जी की जो धूर्तता, जो एकदम से कुख्यात हो चुका हुआ है कि कैसे वो तारीफ करते हैं, प्रधानमंत्री की तारीफ, भारत सरकार की तारीफ, 10 तरह की तारीफ करते हैं, और उसके बाद अपना खेल कर देते हैं कि दिल्ली को ये नहीं मिल रहा है, दिल्ली विक्टिमाइज हो रही है, दिल्ली को हरियाणा ने रोक दिया हुआ है, मध्य मध्य प्रदेश ने रोक दिया हुआ है, दिल्ली को जो है उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, तो प्रधानमंत्री जी पूरा इसकी व्यवस्था कीजिए। स्तर इतना अरविंद केजरीवाल का गिरा कि अरविंद केजरीवाल ने इस भय के माहौल को, तब आपको लगेगा कि ये पूरी लुटियन मीडिया, अरविंद केजरीवाल एंड गैंग किस तरह के षड्यंत्र में लिप्त हैं। आप देख करके भौचक रह जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल ने पूरा प्लानिंग किया अराजकता फैलाने का, क्या अरविंद केजरीवाल उसके पूरे गिरोह ने, जो पूरी लुटियन मीडिया जिसके मुंह में उन्होंने ठूस दिया हुआ है 600 करोड़ रुपए, 600 करोड़ के टुकड़ों से जिस तरह से पूरी लुटियन मीडिया को उन्होंने मुंह में ठूस दिया है, चाहे वो अदालत लगाने वाला संपादक हो या फिर भारत की बात करने वाला पूछता है, भारत देखता है, भारत करने की बात कर रहा हो, सबकी लाचारगी आप समझेंगे कि अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ताओं को पूछता है भारत जैसे प्रोग्राम में उसकी उसका बरबोलापन कैसे होता है, और एंकर की चुप्पी लाचारगी क्या होती है, तब समझ में आएगा कि अदालत लगाने वाले संपादकों की टीम अरविंद केजरीवाल पर सवाल क्यों नहीं करता। जो अरविंद केजरीवाल कहता है कि ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का जो टैंकर चल रहा है उसके साथ साथ आर्मी को चलाया जाए, ऐसा लग रहा है कि इस देश में ये डाकुओं का देश हो। दरअसल अरविंद केजरीवाल जैसे लोग इस देश को डाकुओं का देश साबित कर देना चाहते हैं कि चारों तरफ इस देश में डाकू भरे हुए हैं और उन डाकुओं को आर्मी कंट्रोल करें। केजरीवाल ने जो राय दी है वो ये कि आर्मी को लगा दिया जाए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। इस केजरीवाल ने दावा किया था कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी, हम घर घर ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। एक फैक्ट्री नहीं लगाई अरविंद केजरीवाल ने, एक अस्पताल नहीं खोला 7 साल में अरविंद केजरीवाल ने, जो मोहल्ला क्लिनिक खोला उसमें कुत्ते बिल्ली बकरियां जो है दिखाई दे रही है, वो केजरीवाल ने आज ढोंग करना शुरू किया। 600 करोड़ का जो टुकड़ा मुंह पे मारा है मीडिया को, उससे यह जलील मीडिया, निर्लज्ज मीडिया की चुप्पी है। और आज जब केजरीवाल ने इसे पब्लिकली सार्वजनिक किया, तो जो भी मीडिया में 2-4% लोग, जो पत्रकार पढ़े लिखे हैं, जो रिपोर्टर्स पढ़े लिखे हैं, वो जब बताने लगे कि प्रोटोकॉल क्या है, तो एंकर से कहा गया कट कर दो। और अरविंद केजरीवाल ने निर्लज्जता की आज हद कर दी, धूर्तता की आज हद कर दी कि पब्लिकली प्रधानमंत्री के साथ संवाद को सार्वजनिक कर दिया, और सभी मीडिया ने उसे दिखाया, और उस दिखाने के बाद बड़ी धूर्तता से
प्रधानमंत्री जो ही बोल रहे हैं, केजरीवाल को जो ही डांट रहे हैं, वहां पर वीडियो कट हो गया, लेकिन उसके बाद का वीडियो आ गया है। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर, ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है, ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले, जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। आपने केजरीवाल की धूर्तता को, उनकी निर्लज्जता को पूरी तरह से देखा, और ये जो वीडियो सामने आया है, ये वीडियो उसके बाद का है जहां से केजरीवाल ने उपलब्ध नहीं कराया था। दरअसल के जो ही प्रधानमंत्री ने टोका, केजरीवाल ने लाइव कट वहीं से कर दिया था। जो लाइव वो कट बनाए थे कि वो जब कुछ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री को, और जब वो दिल्ली का रोना रो रहे हैं, दरअसल केजरीवाल ने एक रोना रोया कि हरियाणा हमें नहीं सप्लाई कर रहा है, हरियाणा रोक रहा है, अब उत्तर प्रदेश रोक रहा है, मध्य प्रदेश, इस तरह के पूरे बीजेपी शासित राज्यों को रोक करके, दरअसल वो जो पूरी खैराती मीडिया है, जो निर्लज्जों की टोली है, जो वेव लड़ाके हैं, जो पूरा जिनका खैरात सालों से बंद हो चुका हुआ है, जो सज्जन कुमार के भोज से लपलपाए हुए हैं, जो अब तक सज्जन कुमार हत्यारे सज्जन कुमार 1934 के हत्यारे सज्जन कुमार के भोज में खा करके जो अपना पूरा तंत्र खराब किए हुए हैं, अपनी पूरा जो अतरी फतरी खराब किए हुए हैं, उन सबको लग रहा है कि ये भोज नहीं मिल रहा है। मैंने कांग्रेस कवर करने वाले रिपोर्टरों को कई बार देखा, अरे आजकल मीट भात खाने को कोई बुला नहीं रहा है। ये चरित्र दरअसल जब हो चुका होता है, तब आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि आपको ये लगता है कि देश में अराजकता फैल क्यों नहीं रहा है, देश को कोई कब्जा क्यों नहीं कर ले रहा है। और केजरीवाल कहते हैं कि ये जो ऑक्सीजन का जो टैंकर है उसके साथ आर्मी क्यों नहीं चल रही है। मतलब आप अपने देश के लोगों को एकदम से साबित कर दीजिए कि ना जाने ये समुद्री डाकुओं की कहानी आपने सुनी होगी। केजरीवाल जैसे लोग, ये धूर्तों की टोली ऐसा बना रहे हैं माहौल, जिस तरह से आप भारत को एक डाकुओं का प्रदेश बना दीजिए, साबित कर दीजिए कि भारत में डकैत रहते हैं। कुछ हद तक हमने अपने चरित्र को बनाया भी है, इसीलिए सिर्फ हमारा चूंकि चरित्र ऐसा है, तभी ये दो दो कौड़ी के मीडिया में बैठे हुए लोग, निर्लज्जों की टोली, अनपढ़ों की टोली, कोई सनसनीबाज दो कौड़ी का ऐसे चिरकुट जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो आज तो मैं देख रहा हूं ट्विटर पे उन सनसनीबाजों के साथ काम करने वाले कुछ पत्रकार लिखने रहे हैं, और खुद एक पत्रकार ने लिखा है, अदालत लगाने वाले संपादक के चैनल में जब सनसनीबाज काम कर रहा था उस दौर में, मेरी टीम में एक लड़का जो साथी था, उसने अब ट्वीट करना शुरू किया है, और उसने इस सनसनीबाज के लिए लिखा है कि ये सनसनीबाज सलाहकार था किसान आंदोलन में किसान नेताओं का, और ये तय करता था कि कब मीटिंग होगी, क्या होगी। इसने सनसनीबाज का नाम नहीं लिखा है। मैंने उससे आग्रह किया कि तुम्हें सनसनीबाज का नाम लिखना चाहिए कि ये कौन चिरकुट है, तब आपको समझ में आएगा कि किसान आंदोलन को लेकर के कैसे ये पंच मक्कारों की टीम, ये धूर्तों की टोली जो भारत में अराजकता फैलाना चाह रहे हैं। अब तो सीधे मुझे लगता है प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि दिल्ली के एक मुख्यमंत्री ने कैसे अराजकता फैलाने की कोशिश की है, और कैसे मीडिया की टोली जो है उसके साथ खड़ा है। ये 600 करोड़ रुपए का जो टुकड़ा फेंका गया मुंह पे, उसका असर क्या है वो आप देख रहे हैं साफ तौर पे। और आप इसीलिए आप देखेंगे कि पूरे आप किसी चैनल को खोल लीजिए, वो आदमी आपको दिखाई दे देगा। ये कहा जा रहा है कि हर राज्य जो है छीन रहा है, जबकि आप देखेंगे सच
तो इसी केजरी के एक ट्वीट को मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये केजरी कल ही जो है इसने क्या ट्वीट किया है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री के साथ बैठक में किस तरह का झूठ इस आदमी ने बोला है, ये आपको जरूर देखना चाहिए। अब ये जो है ये हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेकर के जो इसने लिखा है, ये देखिए, ये 22 तारीख मतलब कल का है केजरी का। आई स्पोक टू हरियाणा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हरियाणा श्री मनोहर लाल खट्टर जी, सॉट हिज सपोर्ट इन फैसिलिटिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ट्रक फ्रॉम हरियाणा टू दिल्ली। ही हैज एश्योर्ड फुल सपोर्ट। अब देखिए कि ये कल जो है ये हरियाणा के मुख्यमंत्री के से बातचीत के आधार पर केजरीवाल ने ये ट्वीट किया हुआ है, और ये केजरीवाल का ट्विटर हैंडल है जो आप देख रहे हैं। सब इंसान बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म का, ये सब सब ये ढोंग है केजरीवाल का। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये इस ट्वीट के बाद इस आदमी ने प्रधानमंत्री के साथ ये लगा कि चारों तरफ लूट मचा हुआ है और चारों तरफ अराजकता का की स्थिति है। लेकिन बावजूद इसके ये जब प्रधानमंत्री के साथ ये बात करते हैं तो ये ऐसा दिखाते हैं कि दिल्ली के लिए बहुत चिंतित हैं। ये पूरा शो किया कि दिल्ली के लिए, दिल्ली नेशनल कैपिटल है, किसी केजरी के चाहने से नहीं होगा, और किसी के केजरी को परेशान करने के लिए केंद्र की सरकार दिल्ली को परेशान नहीं कर सकती। दिल्ली में 7-7 सांसद बीजेपी के हैं और दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है। ऐसे में यदि 1% मान भी लिया जाए कि केंद्र और राज्य के बीच या फिर भाजपा गैर भाजपा शासित सरकारों के लिए कुछ सौतेला व्यवहार है केंद्र का, 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए तो दिल्ली के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि दिल्ली को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये नेशनल कैपिटल है, पूरे देश भर के लोग आए हुए। बहुत बारीकी से समझिए, 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि केंद्र गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करेगा भी, तो दिल्ली के साथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, राष्ट्रीय राजधानी है और पूरे देश के लोग यहां पर आकर के रहते हैं, तो उनके साथ बदले के भाव नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज है, आपके दिल्ली में गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंदर में आता है, आर्मी है, संसद है, यहां पर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, भारत सरकार इस दिल्ली से चल रही है। इसीलिए केजरी को परेशान करने के लिए केंद्र की सरकार दिल्ली को प्रताड़ित नहीं कर सकती है, लेकिन केजरीवाल ने बड़ी धूर्तता से दिखाने की कोशिश की है कि दिल्ली को परेशान किया जा रहा है, दिल्ली की पब्लिक परेशान है, दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, फलाना राज्य रोक रहा है, ढेमकाना राज्य रोक रहा है। मैंने एक छोटा सा वीडियो विश्लेषण दिया है, वो हो सके इस पे भी डाल दूंगा। ये हमारा दरअसल चरित्र हो जाता है कि हम स्वाभाविक रूप से अपने आप को नहीं भूल पाते। एक कागज जो है वायरल हो रहा है, एक चोर ने एक चिट्ठी लिखी हुई है, उसने कोरोना की दवा दवा दुकान से कहीं से चोरी की, उसे लगा कोरोना की दवा है, उसने एक दुकान पर वापस किया, कहा कि थाने को पहुंचा दो। चोर के अंदर का जमीर था, लेकिन कोई मुख्यमंत्री है उसके अंदर का जमीर नहीं जगता है तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हम बार आप बाजार में जाते हैं, कल मैं गया बाजार तो देखा कि नारियल कोई खरीद रहा है 100 रुपए, मुझे लगा कि शायद 2 पीस होगा, 30 का 50 कर दिया होगा, कुछ ऐसा होगा, पता चला 1 पीस के 100 रुपए। नींबू का वैसे ही है, डिमांड बढ़ गया तो लोगों ने, दुकानदारों ने उसकी कीमत इस रूप में बढ़ा दी। ये सब चीजें कैसे हो रहा है, दरअसल हमारे चरित्र के अंदर चोर है, काला बाजारी, हमने सोच लिया हुआ है कि सामान। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि नारियल की कीमत इस कदर से बढ़ने लगी, नींबू की कीमत इस कदर से बढ़ने लगी, क्योंकि वो चोर चरित्र हमारे अंदर भी आ गया और हमारी आदत हो गई सीधे हम सरकार को गाली देना शुरू कर दें। और इसीलिए केजरीवाल जैसे निकम्मे शासक जिसने 7 साल तक कुछ भी नहीं किया सिवाय एडवर्टीजमेंट देने का, एक अस्पताल नहीं खोला। केजरीवाल ने वायदा किया था इस राज्य से कि ऑक्सीजन की कमी किसी घर में नहीं होगी, एक फैक्ट्री ऑक्सीजन की नहीं लगाई गई। मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति ऐसी है कि एक आदमी केजरीवाल के इस मोहल्ला क्लिनिक में नहीं जाता, बकरी और गाय वहां चरते हैं, पब्लिक पैसे को बर्बाद किया गया। कोई मीडिया इस केजरीवाल के इस घटिया चरित्र पे कोई कुछ नहीं बोल रहा। कमाल की बात यह देखिए कि मुझे आश्चर्य लगा कि जब केजरीवाल ने आज वायरल कर दिया, एक सामान्य चीज है कि पद और गोपनीयता की शपथ होती है और इसी एक सामान्य प्रक्रिया है कि आप इस तरह की बैठक को सार्वजनिक नहीं करेंगे। मैंने जैसे बताया कि अब तक पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ जितनी भी बैठकें की है,
उस बैठक में आपस की बातचीत, कौन किसको लतार रहा है, कौन क्या शिकायत कर रहा है, कौन किसके बारे में क्या शिकायत कर रहा है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ इसमें चुगली भी होती है, एक दूसरे के खिलाफ शिकायत होती है, उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। ये किसी भी राज्य की गरिमा, जैसे मान लीजिए कि मैं बिहार से हूं और मेरे मुख्यमंत्री को यदि वहां अपमानित किया गया तो ये एक बिहारी के रूप में मेरे लिए अपमानजनक स्थिति होगी, क्योंकि मेरी बिहार मेरी जन्मभूमि है, उत्तर प्रदेश में मैं रहता हूं, मैं कर्मभूमि है मेरी, मेरे मुख्यमंत्री यहां एज अ वोटर मेरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, लेकिन चूंकि मेरी जन्मभूमि बिहार है तो मेरे मुख्यमंत्री उस हिसाब से नीतीश कुमार है। तो हम कतई नहीं चाहेंगे कि हमारे राज्य का अपमान किसी भी ढंग से हो, पब्लिकली चार राज्य है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को जलील करे, वहां पर हम प्रांत के हिसाब से उस रूप में हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं कि राज्यों के बीच क्लेश जो है वो उत्पन्न ना हो जाए, वहां एक दूसरे से लोग शिकायत करते हैं। जैसे आप घर में जब पेरेंट्स किसी ढंग से किसी मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो आपस में एक दूसरे की शिकायत होती है, लेकिन उसे पब्लिकली नहीं किया जा सकता। अरविंद केजरीवाल के अलावा किसी ने यह धूर्तता क्यों नहीं की? और कमाल की बात यह देखिए कि अरविंद केजरीवाल के धूर्तता पर पूरी मीडिया की चुप्पी रही, तब तक चुप्पी रही जब तक वीडियो का दूसरा खंड नहीं आया। पहले खंड में अरविंद केजरीवाल लगातार कहते हैं कि मेरा फोन दिन भर बजता है, और यह भाषा उसी ढंग से है जो लुटियन मीडिया के राक्षसी समूह जिस तरह से कह रहा है, मेरा फोन बज रहा है, मेरा ये बज रहा है, और ये कह रहे कि मैं किससे बात करूं, किससे बात करोगे भाई, प्रधानमंत्री से बात करोगे, गृह मंत्री से हर बात करोगे? इस देश में हेल्थ सेक्रेटरी है, हेल्थ सेक्रेटरी से बात करोगे, बहुत आगे जाओगे स्वास्थ्य मंत्री से बात करोगे, डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करोगे, चीजें स्पष्ट है, जिसने अब तक तुम्हें ये तमाम सुविधाएं दी है उसी से बात करोगे कि हर चीज प्रधानमंत्री से बात करोगे? ये अराजकता जो फैलाने का तरीका केजरीवाल का है, जिस तरह से उनके साथ, और इसी कारण जो मुंह पे मारे हुए हैं ये 600 करोड़ रुपए का जो टुकड़ा जो उन्होंने मुंह पे मारा हुआ है, उसी का फर्क है कि केजरीवाल ने आज जिस स्तर तक केजरीवाल गए उसकी कोई सीमा नहीं रही। केजरीवाल दरअसल उनको ये पता चल गया, उन्होंने इस मुख्यमंत्री के इस्तीफे और तमाम चीजों का ढोंग भी कर लिया, लेकिन सामने नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति था, और मुझे लगता है कि जब वो केजरीवाल के मुंह पे तलातर तलातर लप्पर मार रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि किस तरह के पैरेंटल भाव से केजरीवाल के साथ वो कर रहे हैं। और केजरीवाल पहले भी हाथ जोड़ के बैठा हुआ था, दरअसल केजरीवाल ने मैसेज देने की कोशिश की एंटी मोदी समूह में, क्योंकि मैं जैसे अक्सर कहता हूं कि इस कदर लचर है सामने की स्थिति कि हर किसी को उस समय उम्मीद, उसके पास उम्मीद जगने लगती है जो मोदी विरोध का प्रवक्ता बन जाता है, मतलब जो उम्मीद बन जाता है। जैसे कि मैं बार बार आपको कहता हूं बंगाल चुनाव को लेकर के, कि पूरी लुटियन मीडिया, पूरी राक्षसी मीडिया, पूरी खैराती मीडिया, उसका ममता बनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बंगाल के चुनाव पर सिंपैथी क्यों है? इन लोगों को केरल के चुनाव से क्यों नहीं मतलब दिखा? इन लोगों को तमिलनाडु के चुनाव से परेशानी क्यों नहीं हुई? इन्हें असम के चुनाव से क्यों परेशानी नहीं हुई? इन्हें बंगाल के चुनाव से क्यों परेशानी हुई? असम को छोड़ के सबके सब गैर भाजपा शासित राज्य हैं, बंगाल भी है, एक असम ही है जहां पर यह उम्मीद जगी है कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी। मतलब बंगाल में चुनाव का मतलब, जीत का मतलब है कि मोदी मुखर रूप से सामने आ जाएंगे। और इस बात को बहुत बारीकी से समझिए कि इनका खैरात, जो ये खैराती मीडिया है, दिल्ली के जो लुटियन मीडिया है, और खैराती मीडिया का मतलब ये मत समझिए जो बड़े बड़े नामचीन सिर्फ नहीं, वो चिरकुटों की टोली जो है, जो सज्जन कुमार में भोज में खाने में, जो इधर उधर कहीं पैकेट मिल जाने में, जो एमसीडी इस तरह का चरित्र रहा है जिनका, कि हमारा हम मीडिया में है तो हमारे प्रिविलेज है, इन लोगों की सबकी दुकानें बंद हो गई। इसीलिए मोदी से तो किसी को फायदा हो नहीं रहा है, इस सरकार से पत्रकार होने का प्रिविलेज किसी को मिल नहीं रहा है, बस बेचैनी। उनकी सैलरी नहीं खत्म हुई है, सैलरी उनकी उसी ढंग से मिल रही है, लेकिन ये अराजकता क्यों फैलाना चाह रहे हैं? क्यों इन्हें लग रहा है कि देश में अराजकता फैल जाए? इस विपदा में क्यों लग रहा है अराजकता फैल जाए? इस बात को समझना बहुत जरूरी है, तब ये समझना जरूरी होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो इतनी घटिया हरकत की उस पर घंटों भर मीडिया शांत क्यों रहा, और क्यों इसे ऑनलाइन कटऑफ किया गया, और जब प्रधानमंत्री की बातें आई तब फिर चीजें एकाएक बदली। केजरीवाल को एहसास हुआ उसने क्या कुकृत्य किए हैं,
क्या केजरीवाल के इस कुकृत पर उन्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? लेकिन जब कोई व्यक्ति कहते हैं ना कि बड़ा हो जाए, आपको मैं जो अभी वीडियो दोबारा से उसे दिखाऊंगा, उसमें पीएम मोदी के बॉडी लैंग्वेज को देखिएगा और समझिएगा कि इसमें वीडियो वहां से शुरू है जहां केजरीवाल ने वहां तक का दिखाया है अपने लाइव में, और बड़े ही षड्यंत्र से केजरीवाल ने उस लाइव को वहीं पर काट दिया, क्योंकि लाइव प्रोटोकॉल को तोड़ा केजरीवाल ने है, और वहां जहां प्रधानमंत्री बोलना शुरू करते हैं वहां से आप देखेंगे कटअप है, उसी के आगे के हिस्से को यह सार्वजनिक किया गया है। तो या तो अब केजरीवाल ने इसे सार्वजनिक किया है, मुझे समझ में नहीं आता इसे सार्वजनिक किसने किया अब तक, चूंकि मुझे मैं अनभिज्ञ हूं, लेकिन इस बात को समझिएगा और प्रधानमंत्री के बॉडी लैंग्वेज को समझिएगा। इस बात को भी लेकर के लुटियन मीडिया जो है केजरीवाल को विक्टिमाइज करेगा, देखिएगा खैराती, क्योंकि जिनका उद्देश्य जो इस स्तर तक जा सकते हैं कि मोदी विरोध में वो भारत विरोध तक जा सकते हैं, जिनको इस बात के लिए चिंता है कि ये जो एक एक वर्ग जो है मीडिया का एक वर्ग जो है वो मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहा है। अब देखिए तथाकथित सो कॉल जो राष्ट्रवादी अदालत लगाने वाले संपादक हों चाहे इस तरह के जो कुछ संपादक हैं, उनने भी केजरीवाल ने चूंकि मुंह में जो डाल दिया उसके कारण वो बोलना शुरू हो चुके, लेकिन कुछ लोग हम जैसे कुछ लोग जो हैं जो अपना स्टैंड लिए हुए हैं, ये तथाकथित रूप से जो कुछ अपने आप को निष्पक्ष दिखाने वाले खिलंदर भी इसमें आ गए। लेकिन इस वीडियो को बहुत बारीक से अभी दोबारा जो शुरुआत में मैंने दिखाया था, जो लोग बाद में जुड़े हुए इसको इस वीडियो को बहुत बारीकी से देखेगा और प्रधानमंत्री के बॉडी लैंग्वेज को समझिएगा और उसके बाद केजरीवाल के बॉडी लैंग्वेज को समझिएगा। इसमें इस वीडियो के बाद भी केजरीवाल के पक्ष में कैसे खेल होगा ये वेब लड़ाकों के द्वारा, उस चीज को भी ध्यान रखिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्यों इस देश में ये कहा गया कि ऑक्सीजन टैंकर के साथ आर्मी चलाया जाए। आप इस केजरीवाल जैसे नेताओं के षड्यंत्र को समझिएगा तो पूरे लुटियन मीडिया के खेल को कि क्यों ऑक्सीजन के साथ आर्मी चलाने की बात क्यों की गई, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि इस भारत जो है भारत समुद्री लुटेरों की जो कहानी आप सुने होंगे, हम लोगों ने कई क्राइम शो इस पे किया हुआ है क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान, समुद्री डकैत समुद्री लुटेरे, ये जो अफ्रीकी कंट्री है उसमें कुछ इस ढंग से जो है डाकू काम करते हैं, वो अफ्रीकी कंट्री के जो इलाके जो हैं वहां पर समुद्री डकैत काम करते हैं, तो ये किस तरह से अपने देश में करते हैं। तो भारत एक बड़ा षड्यंत्र ये हुआ कि इस स्तर तक भारत का स्तर गिरा दो कि दुनिया में ये चला जाए कि भारत में ऐसे लोग रहते हैं जो ऑक्सीजन छीना झपटी करते हैं, इसीलिए आर्मी जो है उस ट्रैक को घेरे हुए, इसीलिए कहा गया कि आर्मी उतार दीजिए। ये छोटा मोटा खेल नहीं था, ये भारत को बदनाम करने के लिए मतलब मोदी विरोध में ये राक्षसी खेल है। जरा इस वीडियो को समझिए और समझिए कि प्रधानमंत्री ने कैसे तरातर तरातर लपड़ मारा है, और इस जलालत में आज एक आदमी दिल्ली के एक धूर्त मुख्यमंत्री को का आज पूरी तरह से कैसे वो बेनकाब हुआ है उसकी धूर्तता, लेकिन वो अपने अपने खेल में से बाज नहीं आएगा, वो अपने ढंग से यहां पर दूसरी बातें और अपने डिप्टी से कुछ और कहवाएगा, किसी जो म, म, एक एक सांसद जो बन चुका है उसका जो पहले सुल्तानपुर में टिकट की ब्लैकमेलिंग करता था, तो ऐसे ब्लैकमेलरों की टीम को दूसरे ढंग से उतार देगा वो। उधर ब्लैकमेलर्स की टीम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हरियाणा के मुख्यमंत्री को गाली देंगे और ये ट्विटर पे आकर कहेगा धन्यवाद मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री आपका बहुत बहुत धन्यवाद खट्टर साहब, प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से धन्यवाद देगा। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, खुद धन्यवाद देगा और दूसरी तरफ अपने चेलों से कुछ और करवाएगा और पूरे दिल्ली में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश करेगा। पूरी लुटियन मीडिया की बेचैनी इस बात की है कि इस देश में अराजकता का माहौल बन क्यों नहीं रहा है, तब आपको पूरा खेल दरअसल जो है ये समझ में आ जाएगा कि इन सब की जो है ये स्थिति क्यों है। डॉक्टर चेतन कह रहे हैं कि केजरीवाल दिल्ली के म्युनिसिपल चीफ मिनिस्टर है, बहुत सटीक लाइन आपने कही है, ये हिटलर का अभ्यास ठीक से किया है। आप हिटलर के पुराने वीडियो में हिटलर का बॉडी लैंग्वेज देखिए, केजरीवाल के बॉडी लैंग्वेज देखिए, एकदम कॉपी है, ये उसी उन्हीं लोगों के चेला है। बहुत बढ़िया डॉक्टर चेतन ने इस चीज को मुझे लगता है एक लाइन में, और मुझे लगता है कि यही अब वक्त है इन्हीं सब चीजों के आधार पे कि दिल्ली में एकदम से इस सिस्टम को ही अब खत्म कर देना चाहिए। लेकिन आप सबको मैंने इसीलिए कहा कि आप सबको पहले इस वीडियो को पहली बार मैंने यूं चलाया, इसमें प्रधानमंत्री के बॉडी लैंग्वेज को समझिए कि कैसे केजरीवाल ने वहां पर कट किया जहां प्रधानमंत्री ने बोला, और मैं अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये दोबारा दूसरा वीडियो कहां से आया और प्रधानमंत्री ने किस तरह से जलील किया है और किस तरह से पैरेंटल भाव में है।
तो ये खैराती जो मोदी के खिलाफ दिन रात षड्यंत्र करते हैं, उनके लिए मोदी किस रूप में सामने आ जाए, इसे फिर से समझिए। से देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर, ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है, ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले, जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। आपने देखा, जे पीएम जब बोल रहे हैं, बहुत मैं जितना समझ पा रहा हूं, प्रधानमंत्री जब बोल रहे हैं, एकाएक प्रधानमंत्री रोकते हैं उसे। केजरीवाल का षड्यंत्र जारी है, बहुत बारीकी से समझिए इस चीज को। केजरीवाल का षड्यंत्र जारी है, लाइव जारी है, मुझे लगता है, और वहीं पर कट कर दिया गया। पहला जो वीडियो आया है उसमें प्रधानमंत्री जो ही बोलना शुरू कर रहे हैं वहां कट कर दिया जा रहा है, और प्रधानमंत्री ने समझ लिया इसके खेल को, इस धूर्त आदमी के खेल को प्रधानमंत्री ने एकदम शुरुआत में ही समझ लिया, इसीलिए प्रधानमंत्री ने रोका तो हाथ जोड़ करके कह रहा है जी सर, जी सर, और कंटिन्यू हाथ जोड़े रहता है। तो प्रधानमंत्री ने इसे दुत्कारा इस आदमी को, और कहा कि ये प्रोटोकॉल के हिसाब से ठीक नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने जो ये किया है ये ठीक नहीं किया है, और मुख्यमंत्रियों के साथ जो प्रधानमंत्री के साथ जो ये बैठक है उसे पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए। और तब मैं कहता हूं आपसे कि कैसे ये खेल किया गया, ये सामान्य खेल नहीं था। और फिर बार बार इस चीज पे आता हूं कि क्यों कहा गया कि एक्स जो ऑक्सीजन के सिलेंडर है उसके साथ आर्मी लगा दिया जाए, ये सामान्य चीज नहीं है। ये दरअसल दुनिया में ये दिखाने की कोशिश है कि जब देखिए कि जब मोदी का जो स्टाइल है, प्रधानमंत्री का स्टाइल, आप अक्सर देखेंगे, जैसे कि अभी परसों जब वो राष्ट्र को संबोधित करने आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बाल मित्रों से एक बात करता हूं। उन्होंने बाल मित्रों से ये बात करते करते ये कहा कि मैं अपने बाल मित्रों से ये कहूंगा कि वो मेरे बाल मित्र, जिस तरह से उन्होंने स्वच्छता अभियान का मुहिम चलाया था वैसे मेरे बाल मित्र ये मुहिम भी चलाएंगे। उसके बाद उन्होंने युवाओं से बात की। आप अक्सर देखेंगे कि प्रधानमंत्री का स्टाइल है कि वो कहते हैं कि सीनियर सिटीजन जो है, जो सक्षम है, वो रेलवे का जो है वो प्रिविलेज नहीं लेंगे। वो एक चीज वो कहते हैं कि गैस सिलेंडर जो लोग सक्षम है वो सब्सिडी नहीं लेंगे, और उसके बाद लोग ये करते हैं या नहीं करते हैं वो बड़ी चालाकी से प्रधानमंत्री क्या करते हैं कि वो बताते हैं कि इतने लोगों ने छोड़ दिया। दरअसल वो एक तरह से प्रोत्साहित करते हैं लोगों को कि लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके लोगों ने इस चीज को स्वीकार किया और लोगों ने गैस की सब्सिडी लेनी बंद कर दी। वो तारीफ करके, ये घटन है कि आप किसी की तारीफ करके काम करवा लेना चाहते हैं, इस रूप में रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ही अराजकता फैलाने वाले लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि भारत में दुनिया को दिखा देना चाहिए कि भारत में अराजकता की स्थिति कैसी है, कि आर्मी को उतारना पड़ा ऑक्सीजन के लिए, मतलब लोग ऑक्सीजन लूटने के लिए हैं, मतलब लोग रोटी छीनने के लिए हैं, मतलब दुनिया में यह बना देना कि भारत एक ऐसा देश हो गया है जहां लोग रोटी छीनने के लिए परेशान है, जहां लोग सांसें छीन लेने के लिए परेशान है। आप इस चीज को समझ जाइए कि ये खेल लुटियन गैंग का कितना खतरनाक है, कि ये दुनिया में माहौल बना देना, जबकि आलम ये है कि पूरी विश्व में भारत की तारीफ हो रही थी कि वैक्सीन जो है वो भारत ने दुनिया को ये वैक्सीन दी है। उस चीज को कट करने के लिए आलम यह है कि बाहर के देशों से आप ये देखेंगे कि किस तरह से
ऑक्सीजन के टैंकर्स मंगा लिए गए हैं जापान से, जर्मनी से, इस तरह से। लेकिन ये एक षड्यंत्र एक बड़े लेवल पर फैलाने की कोशिश की। हमने एक दूसरे विश्लेषण में आपको बताया कि कैसे एक गैंग ने, लुटियन गैंग ने ये करने की कोशिश की कि मेरे नाना बीमार, मेरी नानी बीमार, इस तरह का खेल किया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री खुद मैदान में आए और प्रधानमंत्री ने लाइव के दौरान जब समझ लिया कि अरविंद केजरीवाल लाइव कर रहे हैं, और जो ही केजरीवाल को डांटा, केजरीवाल ने लाइव को जो पब्लिक होने वाला बटन दबा दिया और उसको लाइव उसने नहीं किया। ये बाद की चीजें, मतलब प्रधानमंत्री के डांटने के बाद केजरीवाल ने जो माफी मांगी है वो चीजें सामने नहीं आई। तो इस पूरे प्रकरण को समझने के बाद आपको चीजें स्पष्ट हो जाए हो रही होंगी कि कैसे इस देश में अराजकता फैलाने का एक बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, भारत के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश हो रही है, और ये पूरा लुटियन गैंग। इसीलिए मैंने दिन में आपको एक विश्लेषण दिया कि कैसे हरीश साल्वे के खिलाफ साजिश की गई, कैसे। देखिए कि मेरे कुछ मित्र जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, उन्होंने मुझे एक समय बताया कि जब जस्टिस गोगोई चीफ मिनिस्टर थे और चार राज्यों में चुनाव होने था, मैंने द मनीष ठाकुर शो पर इसकी चर्चा की हुई है उस समय में, चूंकि बहुत व्यूअर्स हुआ करते थे, इसको मैं दोहरा रहा हूं एक बार। सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि मनीष जी, जो ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव आ जाएगा और उसमें कांग्रेस जीत जाएगी, तो जस्टिस रंजन गोगोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर कर देंगे। क्योंकि ये मान रहे थे लुटियन गैंग के ये कांग्रेसी पत्रकार कि जस्टिस गोगोई तो कांग्रेस के हैं, उनके पिता कांग्रेस कोटे से मुख्यमंत्री रहे हैं तो कांग्रेसी, तब कांग्रेस के दौर में ये चीज सुप्रीम कोर्ट में आ गए सिब्बल और अभिषेक मनु के, सिंघवी के दौर में। लेकिन हो गया उलट, मतलब ये किस लिए कह रहे थे मोदी के खिलाफ एफआईआर हो जाएगा, इन सबको उम्मीद थी कि हमारा जो आदमी है जो चीफ जस्टिस बना हुआ है, जो कांग्रेस के कोटे से आया हुआ है, वो अपने आका राहुल गांधी जो कह रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं डिफेंस डील को लेकर के, उस मामले में मोदी को दोषी ठहराते हुए एफआईआर कर दिया जाएगा। लेकिन चीजें जब नहीं हुई, उलट हो गया, प्राइम मिनिस्टर के साथ चीफ जस्टिस का एक तस्वीर भी सुप्रीम कोर्ट का सामने आ गया, तो इन लोग, ये लोग भौचक रह गए। और उसके बाद अराजकता इस कदर कि स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई का कैरेक्टर एसेसिनेशन करने लगे सब। और आज जब हरीश साल्वे को अमाइकस क्यूरी बनाया गया, तो पूरा लुटियन मीडिया का गैंग कल से पीछे पड़ गया और आलम यह हो गया कि हरीश साल्वे को अपना नाम वापस देना पड़ा। तो ये चीजें हैं, अब तक इस विपदा में भी, आपदा में भी एक भयंकर खेल खेला जा रहा है। इनके खेल को समझ लेने की सिर्फ जरूरत है, बस इतना ही काफी है कि हम और आप यदि इनके खेल को आप समझ लेते हैं तो आप बहुत कुछ कर लेते हैं। यही अपने आप में चीजें हैं जिसको मैं कहना चाह रहा था। इसीलिए केजरीवाल ने जो कुछ भी किया है, केजरीवाल का जो माफीनामा है, वो समझ में आता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसे लोग ही इनकी चोरी को पकड़ सकते थे और तत्काल डंडा चलाया और इसका खेल कर दिया। इस बात को समझना बहुत जरूरी था। अजीत जगरवाल करें कि कैसे लाइव हो गया, ये उस पर डिपेंड करता है कि जो लोग उससे जुड़े हुए होते हैं। जब आप किसी चीज में जुड़े होते हैं, जैसे क्लब हाउस वाला जो मामला जिस तरह से सार्वजनिक हुआ, आपको इसी रूप में समझा सकता है, उतने ही लोग कर सकते हैं, उसमें से कोई सार्वजनिक कर सकता है, इसी ढंग का खेला हुआ है। और तुरंत केजरीवाल ने उस चीज को, मुझे लगता है कि आप ये खेला कर दिया। कह रहे हैं कि डॉक्टर चेतन कह रहे हैं ESSR, ARI और केजरीवाल में क्या संबंध है, केजरीवाल को इनकम टैक्स में जॉब करते हुए पेनल्टी क्यों भरना पड़ा था। अब इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अपना खेल केजरुद्दीन का हमेशा से रहा है और आज मुझे लगता है कि, मगर फिर भी देखिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, केजरीवाल के पीछे लॉबी इस तरह से खड़ी हो जाएगी क्योंकि उन्हें लगता है कि अब यही एक आदमी जिसके साथ हम फाइट कर सकते हैं, इसके साथ एक लॉबी खड़ी हो जाएगी। मनीष जी आपको याद करिए पिछले मीटिंग में यह मक्कार कैसे हंस रहा था, ये जे दीवान कह रहे हैं कि, और उस समय कैजुअली ले रहा था प्रधानमंत्री के साथ बैठक को, अरे यार ये जैसे नहीं होता कि मैं तो IITian हूं, ये आदमी मेरे मीटिंग ले लेगा, इसका कैजुअल जो फोटो जो है स्क्रीनशॉट पूरा वायरल हो गया। तो आज उसी का मुझे लगता है कि उसे लगा कि मैं आज कुछ बेहतर कर लूं और इसी खेला के चक्कर में आज ये मैदान में उतरा था। लेकिन कहते हैं ना कि फैक्ट जो है, बेईमानों का खेल जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं
चीजें साफ होती है। और आप ये एक गैंग तो है ही जो मोदी विरोध में किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर इसे कंक्लूड करते हुए आपसे कह रहा हूं, यकीन मानिए, मैं कहता हूं यकीन मानिए तो सचमुच में यकीन मानिए कि ये जो बात लगातार कही गई है, ये जो बात लगातार कही गई है कि आर्मी को भेज दिया जाए, आर्मी ही पूरा कंट्रोल करे और आर्मी ही ऑक्सीजन पे कंट्रोल करे, ये सामान्य बात नहीं है, ये बहुत बेहद असामान्य बात है। और ये पूरा इसके पीछे एक षड्यंत्र है भारत के खिलाफ। और इस षड्यंत्र को यदि हम और आप समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे खलियर खिलंदर कभी भी कोई गेम भारत के खिलाफ नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।